तो ये एक करी है जिसमें आलू डाला हुआ है और बहुत ही टेस्टी दिखने में लग रहा है, खाने के बाद तो पता चल ही जाएगा। तो अभी मैं मार्केट में हूँ और मार्केट का जो ये एरिया है ये आपको बाघा जतीन वाला एरिया है, और शाम का वक्त है, ट्रैफिक जो है नॉर्मली ज़्यादा ही रहता है। और यहाँ पर ये मियो मोर करके एक बेकरी है जिसका केक यहाँ पर लोगों को बहुत पसंद आता है, और इस तरफ जो है एक मेला लगा हुआ था, तो मेले का जो है एक अपना मज़ा होता है। तो मैं इधर थोड़ा सोचा कि आ जाता हूँ और घूम लेता हूँ, तो घूमने पर्पज़ से इधर आया, तभी अचानक से एक दो बूंद जो है बारिश की शुरू हो गई थी, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तो जैसे ही मैं निकलने का प्रयास करना शुरू किया कि बारिश तेज़ हो गई, और मैं थोड़ा सा कैप्चर कर रहा था लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। तो आगे का आपको दिख ही रहा होगा कि कितनी ज़ोर से कोलकाता में जो है बारिश हो रही है, और इस बारिश का पहले से ही अपडेट गूगल पर आ गया था, लोग इसके लिए तैयारी में थे। और पानी की धार देखिए कितनी तेज़ है, इससे आपको पता चल सकता है कि बारिश कितनी तेज़ हो रही है। तो बस इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर तो लोग मज़ा ले रहे हैं, लेकिन जिनके फसल अभी कट करके खेत पर होंगे उनके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि उनकी क्या स्थिति रही होगी इस समय। अब सोचो किसान से ज़्यादा मतलब पीड़ित कौन होगा इस बारिश से। भले ही कोलकाता में लोग हमारे जैसे लोग बारिश में थोड़ा भीग रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, लेकिन जब भी गांव की याद आती है या जो आसपास के लोग होंगे जहाँ पर अब फसलें होंगी उनके बारे में सोच करके मैं बहुत ही चिंतित हो गया था। लेकिन पता नहीं सारे लोग अपना फसल घर लेकर के जा भी पाए थे या नहीं, क्योंकि इस समय में गेहूं कटता है ज़्यादातर जहाँ पे भी गेहूं की खेती होती है। ये बारिश का जो दायरा है वो कितना बड़ा है ये भी नहीं पता है, तो रात में घर बात होगी तो पापा से पता चल जाएगा। तो फाइनली चलो मैं कमरे पर चलता हूँ। कमरे पर आने के बाद जो है आज मौसम बहुत ही ठंडा है, तो एग और पोटैटो की जो है, जैसे कि पहले मैंने आपको बता दिया हूँ कि एक करी था, तो उसी की रेसिपी है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नॉर्मली जो है इसमें पानी दे करके इसको बॉईल कर लेना है, और अंडे के भी छिलके हटाने हैं और आलू के भी छिलके हटा देने हैं आपको। और इसके बाद जो है कुछ नहीं करना है, प्याज को कट कीजिए और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, मतलब भून लीजिए, और यदि आपके पास ग्राइंडर है तो उसमें जो है आपको उसे पीस लेना है, और उसके साथ जो भी आपके मसाला हैं आपके टेस्ट के हिसाब से यूज करो। और ये राइस है, तो राइस में क्या हुआ कि इस बार हम थोड़ा ठगा गए, मतलब हमें लगा कि अच्छा राइस है लेकिन उतना अच्छा राइस ये मिला नहीं। इधर बाहर देख लो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, मतलब बिजली की कड़क से, मतलब मैं किचन में जो है अब मैं और मेरी वाइफ दोनों परेशान हैं, और इधर इसने अपना सीटी दे दिया। तो चूंकि आज जिस दिन हमें वीडियो शूट करना होता है तो थोड़ा सा ये होता है कि दो आदमी का मदद चाहिए, क्योंकि अकेला जो होता है वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो इसलिए हम दोनों मिलकर के ये कर रहे हैं। तो इधर जो है आप देख सकते हो कढ़ाई गर्म हो रही है, अब इसमें प्याज जाएगा जैसा कि मैंने आपको पहले ही अब बता दिया था। तो प्याज का क्या है कि मैं थोड़ा सोचा कि उसको ग्रेट कर लूं, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मिक्सी है ही तो मैं उतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। और एक बात और कि जो प्याज है ना ये एक ब्लैक ऑनियन करके आता है, मुझे एक दिन किसी दुकानदार ने बताया था, तो जो ब्लैक ऑनियन होता है ना उसको गलाना बहुत मुश्किल होता है और उसमें झांस भी उतना नहीं होता है। तो सैलेड में जो है इसका यूज बहुत होता है कोलकाता में, उसने मुझे बताया था कि ये वाला प्याज मत ले जाओ, तो ये वही प्याज है। समहाउ मैंने इसे ही ख़रीद लिया था, इसको मैंने चॉप किसी भी तरह से मतलब हड़बड़ में कर लिया। अब इसमें गया और इसके बाद जो है इसको कुछ देर तक भून लेंगे, ताकि मिक्सी में जब इसको ग्राइंड करूं तो उतना दिक्कत ना हो। मतलब एक होता है ना कच्चा प्याज, अगर आप ग्राइंड करोगे ना तो कुछ भी कर लो उसमें उतना स्वाद नहीं आ पाता है जितना थोड़ा सा भूनने के बाद जो है अगर आप मिक्सी में दोगे तो फिर उसका एक अलग लेवल का ही स्वाद आता है। ये मैंने अपने सिस्टर से सीखा था। तो हर चीज़ का जो कुकिंग जो है उसमें कई लोगों का
आपको हेल्प रहा है, तभी जा कर के आप थोड़ा बहुत कर पाते हो। और मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ पर कई बार मैं सेक्रेटरी भी रहा था, तो उस दौरान भी मैंने बहुत सारी चीज़ें कॉलेज के दिनों में, कॉलेज नहीं था हमारा, कैंपस था, बहुत ही अच्छा कैंपस है, कभी बाद में नाम भी बता दूंगा। तो ये रहा, ये फाइनली ये बॉयल हो चुका है, तब इसमें जो है इसको हम आप फ्राई कर लेंगे, क्योंकि आप बॉयल खाने में उतना मज़ा नहीं आता है, थोड़ा सा सेलो फ्राई जैसा हो जाए तो फिर मज़ा आ जाएगा, और कुछ है नहीं। इसके बाद उधर प्याज जो है उसको मिक्सी में मैं भूंज लूँगा, सॉरी भूंज लूँगा बोल रहा हूँ, मिक्सी में जो है उसको पीस लूँगा। फंक्शनल लैंग्वेज में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, तो चलो इसको करते हैं। उसके बाद जो है इधर जो आप देख रहे हो ना प्लेट में, उधर मैंने वो प्याज निकाल करके रखा हुआ है, तो इसको थोड़ी देर तक आप भूंजेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से ये बन जाएगा। अब आप भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें है नहीं, तो ट्राई करके देखो। बैचलर एक करी है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही बड़ा एक शेफ का हाथ है, वो तो वीडियो देखता हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, तो ये सब करने का हरकत करना शुरू कर देता हूँ। तो अब ये देखो, अब मेरे एक में पहले ही डिफ़ॉल्ट आ चुके हैं कि इसके जो जो जर्दी जो होती है वो बाहर निकल चुका है, जिसको बांग्ला में मैंने सुना है इसे कुसुम बोलते हैं। तो इधर जो है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और एवरेस्ट का किचन किंग मसाला और एक गर्म मसाला मैंने निकाल लिया, आपको एक साथ ही सबको मैं इसमें अब मिला देता हूँ, और मिलाने के बाद देखो कैसा कलर आता है। वाह, तो यहीं पर अच्छा देख करके लग रहा है कि अभी लग रहा है ये पक गया है। तो इसमें टमाटर दे दिया, हरी मिर्च दे दिया, अब थोड़ा सा अदरक दे दिया हूँ, दो तीन कलियाँ लहसुन का भी इसमें जो है डाल दिया हूँ, और इसके अलावा जो है इसमें और क्या देना चाहिए, तो ये प्याज दे दिया। अब इसको मैं पीस लूँगा, मतलब ग्राइंड कर लेता हूँ, जिससे कि ये पूरा पेस्ट बन जाए, और उसके बाद का देखते हैं कैसा मतलब इसका कलर आता है। तो ये रहा जी, पूरा एक तरीके से पिसा गया है, और इधर भी थोड़ा आ गया क्योंकि बहुत ही गाढ़ा ये पिसाया है। तो अब इन सबको जो है इसमें मिला देता हूँ, मिलाने के बाद आप देख लो स्थिति ये है, और कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो देखकर कैसा ही लग रहा है कि एक मतलब जो नया पंडित नया पतरा वाला स्थिति है, नए लोग जब कुछ करते हैं तो ऐसे ही होता है। तो इधर अब इसमें थोड़ा पानी भी डाल दिया हूँ, उसमें तो बहुत ही गाढ़ा हो जाता, और फाइनली ये लगभग पक ही चुका है क्योंकि मसाला तो आधा पहले से पिसा गया था। इसमें धनिया पत्ता और हरी मिर्च को जो है ऊपर से थोड़ा सा कतरन करके डाल दिया हूँ, ताकि जब आप खाओ तो हरी मिर्च जब आपके मुँह में जाएगी ना तो बहुत ही अच्छा आपको स्वाद मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, और नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो ये चावल जो है सर्व हो रहा है, तो चावल का पहले ही बता देता हूँ कि ठीक है, पर पहले वाला जो क्वालिटी था उससे थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, मतलब थोड़ा गीला हो जा रहा है ये चावल, पता नहीं कैसे इसको सुधारा जाएगा। हो सकता है कि चावल ऐसे ही पड़ा रहेगा, फिर हमें चावल चेंज करना पड़ जाए। तो इस बार चावल ने तो धोखा दे दिया हमें, और ये फाइनली हमारे प्लेट में गया एग, और इसके साथ पोटैटो। और चलो फिर मैं अपना डिनर करता हूँ, आप लोग भी अपना डिनर कीजिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं बहुत जल्द ही नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अभी तक आप लोग वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते तो उसे भी कर लेना। थैंक यू सो मच।